नमस्ते, हमारे चैनल दिशा डेजर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रि व्रत स्पेशल काजू ग्राउंडनट रोल्स। इसके लिए एक पैन में काजू लीजिए हाफ कप और उसे ड्राई रोस्ट कीजिए फॉर 5 मिनट्स। काजू रोस्ट होने के बाद उसे साइड में रखिए और उसे कूल कीजिए। अब एक और पैन में 1 कप ग्राउंडनट्स लीजिए और उसे भी ड्राई रोस्ट कीजिए ऑन मीडियम हीट फॉर 5 to 6 मिनट्स एंड उसे कूल कीजिए। अब रोस्टेड कैश्यू एंड रोस्टेड ग्राउंडनट्स को ब्लेंडर में डालिए और उसे स्मूथ पाउडर में ग्राइंड कीजिए। अब एक पैन लीजिए, उसमें 3/4 कप शुगर डालिए, 1 कप पानी डालिए और शुगर सिरप बनने के लिए रख दीजिए। अब शुगर सिरप को बॉईल कीजिए इन मीडियम लो हीट, हाई हीट में ना रखें क्योंकि वो शुगर क्रिस्टल्स फॉर्म होगा, और मिक्स करते रहिए टिल ऑल द शुगर डिसॉल्व्स। अब देखिए शुगर सिरप बॉईल हो रहा है, आप उसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए ताकि वो नीचे चिपके ना। अब देखिए पूरा शुगर डिसॉल्व हो चुका है। अब स्पैचुला में थोड़ा शुगर सिरप लीजिए और अपने हाथों से देखिए कि वो 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी हो गया है कि नहीं करके। 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी आने के बाद जो हमने पाउडर ग्राइंड करके रखा था उसे डालिए, फिर लो हीट में उसे मिक्स करते रहिए। उसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए ताकि उसमें कोई भी लम्स ना हो। अगर आप कंटिन्यूसली स्टर नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा स्टर करने में। जो हमने पाउडर ग्राइंड करके रखा था उसे पूरा एक साथ मार डालिए, बैच वाइज डालिए। फिर उसमें 2 टेबलस्पून घी डालिए, फिर 2 टेबलस्पून आपके चॉइस का कोई भी चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डालिए, काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, वॉलनट्स, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। अब देखिए मिक्सचर थिक हो रहा है, आप ऐसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे तो ऐसा टेक्सचर आएगा, वरना जैसा टेक्सचर हमें चाहिए वैसा टेक्सचर नहीं आएगा। इसके बाद आप एडिबल पिंक कलर डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर उसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालिए और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए टिल इट थिकन्स। अब हमारा मिक्सचर स्टार्ट्स लीविंग द पैन और तब क्रम्बली एंड डो लाइक कंसिस्टेंसी आएगा। एंड देन फ्लेम ऑफ कीजिए और उसे कूल कीजिए। कूल करने के बाद ये ऐसा क्रम्बली टेक्सचर आएगा। मिक्सचर कम्प्लीटली कूल होने के बाद आप उसके रोल्स बनाना स्टार्ट कीजिए। रोल्स बनाते टाइम अपने हाथ को थोड़ा घी लेके उसे ग्रीस कीजिए, तब आप जो रोल्स बना रहे हैं वो परफेक्ट शेप में आएगा। एंड लीजिए व्रत स्पेशल काजू ग्राउंडनट रोल्स तैयार है। आप उसे पिस्ताशियो या काजू से डेकोरेट कर सकते हैं। अब भगवान जी को भोग लगाइए और उसे आप एंजॉय कीजिए। अब हम बनाएंगे एक और नवरात्रि व्रत स्पेशल मखाना कोकोनट लड्डू। इसके लिए एक पैन लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून घी डालिए, घी को मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद उसमें मखाना या लोटस सीड्स भी कह सकते हैं उसे डालिए और उसे 5 to 7 मिनट्स रोस्ट कीजिए। फिर रोस्ट करने के बाद आप अपने हाथों से काट के देखिए, अगर वो कट रहा है तो वो बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हुआ है। फिर उसे ग्राइंड कीजिए, फिर 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट को रोस्ट कीजिए, उसे गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कीजिए। अब ये रोस्ट हो चुका है, उसे साइड में रखिए। फिर उसी पैन में थोड़ा कैशनट्स डालिए, थोड़ा बादाम डालिए और उसे 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कीजिए। फिर पाउडर्ड मखाना सीड्स को एक बोल में ट्रांसफ़र कीजिए। अब उसमें रोस्ट किया हुआ कोकोनट डालिए, फिर 1/4 कप पाउडर्ड शुगर डालिए, शुगर के बाद रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डालिए, काजू और बादाम, फिर उसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालिए और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर उसमें 1/4 कप घी डालिए और उसे जेंटली मिक्स कीजिए। फिर उसमें 1/4 कप मिल्क डालिए, एक साथ पूरा मत डालिए,
थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली डालते जाइए, फिर उसे अच्छे से मिक्स कीजिए एंड नाउ द मिक्सचर इज़ रेडी टू मेक लड्डूस। अब अपने हाथों को थोड़ा ग्रीस कीजिए घी से, फिर एक लड्डू बनाते जाइए। लड्डूस को टाइटली रोल कीजिए, क्योंकि अगर उसमें कोई भी क्रैक्स रहा तो वो जब प्लेट में रखेंगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा या टूट जाएगा। इसी तरह से सारे लड्डूस को बनाते जाइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब सारे लड्डू बनके तैयार हो चुका है। अब लड्डू को सजाते हैं। सजाने के लिए आप किशमिश लीजिए और हर एक लड्डू के ऊपर रखते जाइए। लीजिए, व्रत स्पेशल मखाना कोकोनट लड्डू तैयार है।